फिर अज्जू भाई ने मंगाया वो सीडी, जिस सीडी में था वो प्रूफ, जिससे हीरो बनाया सब भी कोर्ट का जो फर्स्ट केस है वो पूरे केस का चिट्टा बिट्टा खुल जाता, सब कुछ बाहर आ जाता, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला था। पर जैसे ही जाकर मैंने वो एविडेंस डिस्क को देखा उसमें ये बचा, एंड ऑफ हीरो ब्रायन एसएमपी भाई, क्या सीडी लेकर आए। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सोनू मेरी डार्लिंग, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये अज्जू भाई की एविडेंस है। अब मुझे पता नहीं कि उज्जवल ने अज्जू को बचपन का प्यार बुलाया था कि नहीं बुलाया था, पर ये तो कोई एविडेंस नहीं अरे ना अपने तो क्या टेंशन है। ईशान एक बात सच्ची सच्ची बता, तूने सुना है वो एविडेंस में क्या है? अरे फुल सुना एकदम मस्त, मतलब तूने पर्सनली वो सुना है एविडेंस में क्या है, तू जानता है एविडेंस में पर्सनली क्या है? हां क्या बोलता हूं, समझ जा रहा है तू? ईशान I don't think तू जानता है, क्योंकि अगर तुझे पता होता ना एविडेंस में क्या है तो तेरे कान खराब। नहीं मैं कह रहा हूँ, एक बात मैं कह रहा हूँ कि अगर तुझे सच्ची पता होता कि उस एविडेंस में क्या है तो वो एविडेंस देने के बाद तू ये चीज मुझे कभी नहीं बोलता कि वो एविडेंस सुन के तुम्हारा केस एकदम क्लियर हो गया है, अज्जू भाई जीत जाएंगे। नो वे वो एविडेंस सुन के अज्जू भाई जीतेंगे, मतलब मैं बोल कोई भी बोल कोई जीतेगा, तू खुद ही सुन ले एविडेंस। मुझे सुनना सुनना वो एविडेंस, तो किसी को भी सुना लेगा ना वो एविडेंस, कोई भी सुनकर ये चीज बोलेगा कि एविडेंस बकवास, उसमें कुछ एविडेंस है। कैसे? मैं तुझे वापस सुनाता हूँ, मुझे लगता है तूने ठीक से सुना। लगा ये ले, लगा देता। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसा मेरा प्यार है, जान तूने दिया है, ये तेरा एविडेंस है।